टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड डे क्लास फॉर क्लास एट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल फॉर क्लास एट एंड नाइन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी watch previous two videos in which we have discussed about properties of parallelogram, properties of rectangle, okay, and some of the question based on these properties. Today we will start some new things. The first one, the first question is when a parallelogram became a rhombus. It means today's target is to understand the remaining parts of the kinds of parallelogram. Okay, then what are the condition that should be justified to make the parallelogram a rhombus? The condition is adjacent sides of parallelogram are equal. It means क्या हो गया भाई कि अगर किसी parallelogram का adjacent side equal होगा, यानी if in parallelogram ABCD what two conditions should be fulfilled? We need to justify or we need to prove if AB is equal to BC, if AB is equal to BC or BC is equal to CD or CD is equal to AD, then this parallelogram will be a rhombus. उसको क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, अब उसको बोल सकते हैं हम लोग rhombus. तो किसी भी parallelogram को rhombus होने के लिए क्या होना जरूरी है भाई, उसके जो दो adjacent pairs of sides हैं, उसके दो pairs of adjacent side must be equal. अगर दोनों pairs of adjacent side अगर equal होते हैं, then we can easily say that this parallelogram is rhombus. Okay. Now, the second question, there is a properties of parallelogram. This is the properties of parallelogram that diagonal are perpendicular. It means in parallelogram ABCD, we have to show, हमें क्या दिखाना है भाई कि ये AC जो है वो perpendicular है किसके ऊपर, BD के ऊपर. इट मीन्स द पैरेललोग्राम ए सी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द पैरेललोग्राम बी सी. ठीक है, कंफर्म हो गया कि ए सी एंड बी डी मस्ट बी परपेंडिकुलर. अब इसको हमको शो करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई. अपने पास क्या है भाई, अपने पास दो ट्रायंगल है, कोई भी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट ट्रायंगल ले लो. जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर ले लिया ए ओ डी, क्या ये ए ओ डी, ठीक है, और सी ओ डी, दो ट्रायंगल ले लिया. कौन कौन सा ट्रायंगल, ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. अब देख लो क्या क्या हो गया भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, कन्फर्म है, और ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए डी किसके इक्वल हो गया भाई, ए डी इक्वल हो गया आपको किसके इक्वल, सी डी के इक्वल. दिख रहा है ए डी इज इक्वल टू सी डी, और ओ डी तो दोनों में कॉमन है, देख लो दिस वन इज कॉमन, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, दिस इज द कॉमन साइड. ओके, एंड
इज देर एनी क्राइटेरिया लेफ्ट सिंस इट इज अ रोम्बस इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम देन फॉर पैरेललोग्राम AO इज इक्वल टू OC। पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा भाई AO हो जाएगा किसके इक्वल OC के लिए। डायगोनल क्या कर रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ओके ये क्या हो गया भाई ये हो गया कॉमन साइड हो गया कंफर्म। ये कौन सा हो गया एडजेसेंट साइड हो गया ये हो गया एडजेसेंट साइड। अब आप क्लियर कह दोगे कि सर नाउ द ट्रायंगल AOD विल बी कॉन्गोडेंट टू ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गोडेंट हो गया क्या क्या हो गया था इसमें AO इज इक्वल टू OC बाई कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया आपने याद करो ये प्रॉपर्टीज हो गया बाई SSS कॉन्गोडेंस। अब एक बार जब ये कॉन्गोडेंट हो जाता है तो क्या कंफर्म हो गया भाई अगर ये कॉन्गोडेंट हो गया तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गोडेंट ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल। अब हमने तीन साइड ले लिया तो बचा क्या तीन एंगल्स भी बचा है ना यानी क्या हो जाएगा भाई ये जो आप देख रहे हो तीन अलग अलग साइड्स हैं हमारे पास ठीक है तो तीन एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब अपने को कौन सा चाहिए परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब अपने को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए ये लेना पड़ेगा कि एंगल AOD मस्ट बी इक्वल टू एंगल COD बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ओके। नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज परपेंडिकुलर। क्या शो करना भाई इसको इसको शो करना है कि ये क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें इस दोनों एंगल के सम को निकाल के देखना होगा। चलो देखते हैं अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि भाई ये जो हमने प्रूफ किया यहाँ पे एंगल कौन सा AOD और एंगल COD ये आपस में क्या हो गया AOD और COD आपस में हो गया कॉन्गोडेंट। अब ये कॉन्गोडेंट होगा और ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्या बना रहा है भाई स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाता है इसका मतलब है वो दोनों एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाता है इसका मतलब है क्या कि दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा भाई उस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। चलिए दिखाते हैं हम आपको हमने फिगर आपके लिए लेके रख लिया ये हो गया ABCD ठीक है। नाउ AOC इज ए स्ट्रेट लाइन AOC इज अ स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है कौन सा लाइन है भाई स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब होगा कि उसके एंगल जो बनेंगे यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए एंगल AOD प्लस एंगल COD मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री कन्फर्म। अब जरा देख लो अब आपको पता है ये AOD COD के तो इक्वल है अभी हमने देखा कि AOD किसके इक्वल है COD या तो AOD को COD लिख सकते हो या तो COD को AOD लिख सकते हो इसका मतलब दोनों दो बार आएगा तो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल COD का और दोनों आपस में कितना कितना बांट लेगा भाई हाफ ऑफ बांटेगा ना क्योंकि इक्वल है तो एंगल AOD इक्वल हो गया एंगल COD को एंड दैट शुड बी हाउ मच 90 डिग्री। प्रूफ हो गया भाई डायगोनल जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसका रोम्बस का। प्रॉपर्टी समझ में आ गया दूसरा अब देख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा डायगोनल के बेसिस पर ही ये तीसरा क्वेश्चन बनने वाला है। दिस इज द थर्ड टुडेज क्वेश्चन
ओके अब यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या आपको दिया हुआ है कि ये डायगोनल का लेंथ यानी ये AC की वैल्यू है और BD का, आपको पता है कि डायगोनल क्या करता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करता है, बाइसेक करता है। अगर ये बाइसेक कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया भाई कि अगर अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, यहाँ पे निकालना है आपको साइड की वैल्यू, तो साइड के लिए आपको चाहिए ट्रायंगल कौन सा, आपको साइड के लिए चाहिए ट्रायंगल ये वाला, देख बता दिया फिगर में, ये ओ हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया, ये आपका राइट ट्रायंगल, ये पता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, डायगोनल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब देख लो जरा यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, OD की वैल्यू चाहिए, तो OD किसका आधा होगा, फटाफट बता दो भाई, OD जो होगा वो आधा हो जाएगा किसका, OD जो होगा वो आधा हो जाएगा किसका, BD का। तो आप कह सकते हो BD की वैल्यू थी 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आप दूसरा चाहिए AO किसका आधा होगा, OA जो होगा वो आधा हो जाएगा किसका, AC का। तो अब आप बोलोगे AC की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो आधा कर दो, ये कितने सेंटीमीटर हो गए 80 सेंटीमीटर, अब आपको 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब तो ये निकालना बड़ी आसान है ना, अब 80 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि राइट ट्रायंगल AOD में जो AD की वैल्यू होगी है ना उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OA के स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब आप AD का स्क्वायर तो निकालना है, और OA का स्क्वायर कितना हो गया भाई, OA की वैल्यू हो गई 8, तो ये हो गया 64, OD का वैल्यू हो गया कितना 6, तो ये हो गया 36, और जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी AD की कितना, अंडर रूट 100, कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता चल गया, क्या पता चल गया, साइड ऑफ रोम्बस इज कितना सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 into साइड यानी 4 into 10 यानी 40 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर बोलता है तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया भी निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो इसको, अगर आपको पूछता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए, तो अब आप क्या करोगे 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल है ना, फर्स्ट डायगोनल को सेकेंड डायगोनल से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देख लो पहला डायगोनल कितना है आपका 16, दूसरा कितना है 32, अब 16 को डिवाइड करोगे 2 से आएगा 8, 12 8 जाए 96, यानी अब एरिया भी निकाल सकते हो आप, का पैरामीटर भी निकाल सकते हो आप, है ना, एक कोई भी चीज़ आ जाए तो काम कर सकते हो। ये सारा चीज़ हमने बता दिया रोम्बस के बेसिस पे, है ना। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, अब ये क्वेश्चन देख लो बड़ी मज़ेदार, ये आपके पास दिया है रोम्बस, क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है। अब आपको पता है कि सबसे पहले कि रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो अगर ए की वैल्यू दी है तो आप लिखोगे कि सर डी का वैल्यू जो हो जाएगा और जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो दोनों मिलके 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है भाई, एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको D की वैल्यू निकालनी है तो आपको 180 में से किसको घटाना पड़ेगा, एंगल A को, और वो आपका एंगल A की वैल्यू कितनी है 76। अब बता दो भाई 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, और ये हो गया 7 में से 7 गया तो 0, तो ये बच गया 104, यानी आपको D की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे एक बात बड़ी मज़ेदार है, ठीक है, क्या मज़ेदार है भाई, अब ये X की वैल्यू क्या आएगी, जरा मैं आपको बता दूं, अगर ये 76 है तो ये कितना हो जाएगा 76, ये भी कितना हो जाएगा
76, क्योंकि सामने सामने की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होता है, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 76 डिग्री, है ना। अब आपको पता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाए, कौन ये भी हो जाए कितना डिग्री, एक्स हो जाएगा। अब आप बता दो, अगर आप बात करते हो ट्रायंगल किसमें, बी सी डी में, तो क्या हो जाएगा भाई, बी सी डी में हो जाएगा एक्स प्लस 76 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो ज़रा देख लो भाई, 2x की वैल्यू होगी 180 माइनस 76। अब आपको लगेगा कि सर इसकी ज़रूरत कहाँ थी, ये जो मैंने निकाला वो क्यों निकाला। अब मैंने दोनों कंडीशन से बता दिया, एक कंडीशन तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी एंगल ए का और दैट इज इक्वल टू 76। अब ये एक कंडीशन से हमने पढ़ा है, तरीका फर्स्ट एंड द मेथड सेकंड। फर्स्ट मेथड में आपने देखा, अब इस ट्रायंगल में भाई वो दोनों तो इक्वल हो जाएगा, क्या हो रहा था, डी सी इक्वल था बी सी का, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ये हो गया कितना 104, बहुत बड़ा काम होने वाला, देख लो। तो एक्स की वैल्यू हो गई 104 बाई कितना, 2 5 जै 10, 2 2 जै 4, एक्स की वैल्यू तो निकल गई। अब एक बात बताना, अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू निकाले थे आप, एंगल डी का, इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल होगा ना, किसका, रॉम्बस का, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, डायगोनल, याद रखना, डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट अपोजिट वर्टिसेस, क्या करता है उसको। अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके बाद डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104/2, यानी कि 52 डिग्री। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके मन में आता है, ठीक है कि सर अगर हम लोग, ये ऐसी बात है तो हमको प्रूफ करके बता दीजिए कि वे जो डायगोनल का और कोई प्रॉपर्टीज है या नहीं, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में दिया है साइड, क्या दिया है, साइड सब दे दिया, 10 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, अगर ये हो गया एक्स तो ये भी हो जाएगा एक्स। अब आपको पता चल गया कि अगर हम लोग ट्रायंगल किस में देखेंगे, ए ओ बी में देखेंगे, किसमें देखेंगे, ए ओ बी में। डायगोनल क्या करता है, याद रखना, डायगोनल जो होता है किसका, रॉम्बस का, वो करता क्या है, बाइसेक्ट करता है कितने डिग्री पे, एट 90 डिग्री पे। तो बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर के कारण ये राइट ट्रायंगल बन गया। क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं अलग अलग, तो पता चल गया कि भाई ये जो देख रहे हो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यानी ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो फिगर कैसा बन गया, चलो आपके लिए फिगर भी बना देते हैं और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करके बता देते हैं हम आपको। ये देख लो, एक ट्रायंगल हमने बनाया, राइट ट्रायंगल बना लिया, कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में, ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ओ ए बी हो गया। अब देख लो भाई, ओ ए की वैल्यू आपने कितनी लाई है, आपको पता है कि यहाँ पर ओ ए की वैल्यू हो जाएगी ए सी बाई 2, यानी कितना, 6 सेंटीमीटर, है ना। और ओ बी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो ओ बी की वैल्यू तो निकालना है, तो इसको क्या मान लिया, एक्स, और ये हो गया 6, और थर्ड वाला साइड कितना दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दी गई है 10, कितना दिया गया, 10 दिया गया। अब आपको पता चल गया ये जो वैल्यू आ जाएगा किसका, ए बी का स्क्वायर राइट ट्रायंगल में, ये होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लो कि भाई अगर ए बी के स्क्वायर में से इसका वैल्यू, ए बी के स्क्वायर में से अगर हम लोग
माइनस कर दे ओ ए का स्क्वायर तो अपने को क्या मिल जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब तो फटाफट कर लो, ए बी का वैल्यू कितने हैं, ए बी का वैल्यू दिख रहा है 10, तो ये हो गया कितने का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, तो निकल जाएगा किसकी वैल्यू, ओ बी का स्क्वायर। फटाक से देख लो, यहाँ पर बात अगर कर ले हम लोग तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब ये हो गया कितना 64 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब आपको ओ बी का वैल्यू कितना होगा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। तो ओ बी की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल बता दो क्या होगा, दूसरा डायगोनल। अब आप बोलोगे सर दूसरे डायगोनल के लिए इसको क्या कर दो, डबल कर दो, तो खटाक से निकाल दो किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू। तो बी डी की वैल्यू हो जाएगा 2 × 8, यानी कि कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट।